अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे, एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन का। तो दो स्टेप्स में होता है ये एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में एडिशन होगी, दूसरे में एलिमिनेशन। एडिशन किसकी होनी है? न्यूक्लियोफाइल की। और एलिमिनेशन किसकी होनी है? वाई की। वाई कैन बी सी एल, दैट कैन बी एलिमिनेटेड, दैट कैन बी ओ ओ सी आर, दैट कैन बी एन एच टू, दैट कैन बी ओ आर, राइट। तो क्योंकि अब फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने ऐड होना है, तो क्योंकि कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये स्फीयर को अपनी तरफ खींचेगा। तो जब ये स्फीयर को अपनी तरफ खींचेगा तो कार्बन पे आ जाएगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, और कार्बन पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी न्यूक्लियोफाइल इजिली जाके कार्बन पे लग जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो पहले आपके पास जो डेरिवेटिव था एसिड डेरिवेटिव वो sp2 हाइब्रिडाइज था, ट्राइग्लुमेट्री थी, लेकिन जब आपके पास इंटरमीडिएट बना वो आपका टेट्राहेड्रल बना sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसको बोलेंगे आप एडिशन। फिर सेकेंड स्टेप में होगी एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन किसकी होनी है? वाई की। तो जैसे ही वाई एलिमिनेट होगा ओ वापस अपना जो इसने लिया था पेयर वो वापस देगा, वाई विल बी एलिमिनेटेड और आपके पास दोबारा से बन जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्यों बोला? क्योंकि वाई सब्स्टिट्यूट हुआ, उसकी जगह लगा है न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो पहले स्टेप में एडिशन हो रही है, दूसरे स्टेप में एलिमिनेशन हो रही है वाई की। तो Y को आप बोल सकते हो लिविंग ग्रुप। अब इसमें याद रखना है कि ये जो सेकेंड स्टेप हुआ ये क्यों हुआ? क्योंकि ये जितने भी Y हैं, चाहे वो Cl है, चाहे वो OCr है, चाहे वो OR है, चाहे वो NH2 है, ये सारे लिविंग ग्रुप्स होते हैं, दे आर गुड लिविंग ग्रुप्स, ठीक है। अब इसमें भी कौन ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है? जो जितना ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो उतनी जल्दी एलिमिनेट होगा, ठीक है। तो आपने याद रखना है सबसे गुड लिविंग ग्रुप है Cl, और सबसे Cl के कंपैरिजन में जो लिविंग एप्टीट्यूड है वो NH2 का कम है। तो सबसे गुड लिविंग ग्रुप है Cl, और सबसे इसके कंपैरिजन में थोड़ा वीक लिविंग ग्रुप है NH2। तो ये है लिविंग एप्टीट्यूड। तो बोलने का मतलब हो गया कि Cl अगर यहाँ होगा, अगर ये एसिड क्लोराइड है तो ये रिएक्शन सबसे फास्ट होगी, और अगर Y आपका NH2 है मतलब ये एसिड एमाइड है तो ये रिएक्शन थोड़ी स्लो हो जाएगी। रीज़न उसका क्योंकि Cl इज़ गुड लिविंग ग्रुप एंड इसके कंपैरिजन में NH2 इज़ थोड़ा वीक लिविंग ग्रुप, ठीक है। अब ये याद रखना है कि ये जो लिविंग एप्टीट्यूड है ये डिपेंड करता है बेसिसिटी पे। वीकर द बेस बेटर इट इज़ लिविंग ग्रुप। इसका मतलब क्या हो गया कि बेस जितना वीक होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो, क्योंकि Cl नेगेटिव एक गुड लिविंग ग्रुप है, इसका मतलब इट इज़ वीक बेस। NH2 ग्रुप क्योंकि एक बैड लिविंग ग्रुप है इसके कंपैरिजन में, इसका मतलब इट इज़ स्ट्रॉन्ग बेस। और ये इसलिए होता है क्योंकि अगर आप सिंपल सा देखो HCl के केस में, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जब ये एसिड है तो ये देगा H+ और बनेगा Cl-। अब ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका जो बेस होगा जिसको आप कंजुगेट बेस बोलते हैं वो बनेगा वीक। तो ऑब्वियस है Cl नेगेटिव की बेसिसिटी कम है इसलिए ये गुड लिविंग ग्रुप है। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो। बेस क्या होते हैं? बेस मतलब लुईस बेस, ठीक है। लुईस बेस क्या होते हैं? जिनकी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो बेस है मतलब चाहे वो Cl है चाहे वो NH2 है तो ये सारे बेस, लेकिन कौन स्ट्रांग है कौन वीक है अब आपके सामने है। बाय ने जाना है इलेक्ट्रॉन पेयर लेके, ठीक है। लेकिन बेस क्या होते हैं? बेस किसको स्ट्रांग माना जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसको आप स्ट्रांग लिविंग ग्रुप बोलेंगे, उसको आप गुड लिविंग ग्रुप बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर इजिली लेके जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्योंकि Cl नेगेटिव एक वीक लुईस बेस है इसलिए ये गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है। इसकी बेसिसिटी कम है और ये गुड लिविंग ग्रुप बनेगा, ठीक है। क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लेने नहीं है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन देने नहीं है बल्कि इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ को खींचने हैं, ठीक है। तो ये है आपका सामने। और इसी तरह से आप बात कर सकते हो NH2 नेगेटिव की भी, क्योंकि NH2 नेगेटिव का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड होगा वो वीक होगा, तो इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा वो स्ट्रांग बनेगा। तो जितना बेस स्ट्रांग होगा उतना ही वो वीक लिविंग ग्रुप बनेगा। क्यों? क्योंकि लिविंग ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाने हैं अपने साथ, ना कि देने हैं। तो जो जितना इजिली इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो उतना ही स्ट्रांग बेस बन रहा है, ठीक है। तो यही आज हम डिस्कस करेंगे।
बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमने आज डिस्कस कर लिया मैकेनिज्म तक, तो अगर इसका आप कंक्लूज़न निकालो तो आप कंक्लूज़न मैकेनिज्म का ये निकला आपका सिंपल सा कि आपका अगर आप इस तरह से दिखाओ तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है, ऑक्सीजन अब तरफ खींचा, ये एडिशन हुई, ये आपके पास टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना, फिर एलिमिनेशन हुई वाई की और फिर दोबारा से आपके पास बन गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्रोडक्ट और वाई एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो यहीं तक आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप बोल सकते हो ये स्टेप जो है दैट इज़ द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ओवरऑल रेट जो है वो इसी स्टेप पे डिपेंड करेगी, दैट इज़ एडिशन स्टेप, ठीक है। फर्दर हम बाद में डिस्कस करेंगे अब कल, तो आज आपने यहाँ तक के पूरे नोट्स बना लेने हैं अपने, ठीक है, एंड दैट शुड बी क्लियर टू यू। अगर आपको कुछ नहीं पता लगा होगा तो यू कैन आस्क।